स्टूडेंट्स, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रोशन कुमार ऑफ मैथ्स टीचर्स मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 फ्रॉम द बुक मैथमेटिक बुक्स आर एफ अग्रवाल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स प्रेजेंट इन ए लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज द लीनियर? लीनियर इट मीन्स वेरिएबल पे पावर 1, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स हो या 1 वेरिएबल हो, उस पे मैक्सिमम पावर जो है 1 होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर। एंड इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म एंड इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए डो नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डो नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी डो नॉट इक्वल टू 0 and a linear equation in two variables, in two variables in x and y, and equations of the form, and equations of the form ax plus by plus c equal to 0. So students, ax plus by plus c equal to 0, this is the linear equation in two variables. Here x and y are the variables, two variables x and y. Linear it means the maximum power of the variable is 1. मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, y पे पावर भी 1, x पे पावर 1। सो दिस इज द लीनियर। लीनियर इट मींस मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 प्रेजेंट इन एन इक्वेशन, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। ओके, सो x टू द पावर 1 एंड y टू द पावर 1, a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a डू नॉट इक्वल टू 0 एंड b डू नॉट। So equation, it means this is the statement equality present in equality। अगर हम लोग लिखें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज द एक्सप्रेशन बिकॉज क्योंकि इसमें इक्वलिटी प्रजेंट ही नहीं है, इसमें एल एच एफ आर एच एफ है ही नहीं, ओनली 1 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट ए इक्वेशन। But in this term, ax plus by plus c equal to 0, this is the LHS and this is the RHS. A statement in which present in equality, that is called equation. Okay? So, this is the linear equation in two variables. A equal to 2, b equal to 5 and c equal to 3. Then, 2x plus 5 by plus 3 equal to 0. This is the linear equation in two variables. Okay? And 2x plus 5 by equal to 9. This is the linear equation in two variables. Here, a equal to 2, b equal to 5, and c equal to minus 9. Okay? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x plus 5 by minus 9 equal to 0. So, a equal to 2, b equal to 5 and c equal to minus 9.
फॉर स्टूडेंट्स एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर किसी भी इक्वेशन का फॉर्म अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो तो हम लोग कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी तो एक साथ कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। ओके, सो ए डो नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डो नॉट इक्वल टू, चूंकि ए जीरो अगर होता है तो ये टर्म हट जाएगा, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये टर्म अगर कंप्लीट खत्म हो जाएगा तो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, बट हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो बोथ वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन एन इक्वेशन मस्ट। ओके, एंड ए और बी ए साथ कभी जीरो नहीं होगा, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू फाइव, सपोज दैट, तो ए जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई एंड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, फॉर स्टूडेंट दिस इज जीरो दिस इज जीरो यानी फाइव इक्वल टू, दिस इज द फॉल्स, क्या ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो कभी भी ए और बी दोनों एक साथ तो जीरो नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रेजेंट एक्स एंड वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इट मीन्स एल एच एफ इक्वल टू आर एच एफ, देन वी से दैट दैट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब x और y का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, तब हम कहेंगे कि वो वैल्यू x और y का जो है वो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या है, सॉल्यूशन है। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल, सो दैट कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इन ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, सो गिवन इक्वेशन इज 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 3, तो पुट x इक्वल टू 3 फ्रॉम LHS 5x माइनस 3y, x के जगह पर 3 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3y, 3 इंटू y के जगह पर 2, तो 5 3 जा 15 और माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 9 इक्वल टू RHS, तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS। ओके, देन वी से दैट कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इट मीन्स एल एच एफ इक्वल टू आर एच एफ आ जाए, तब हम कहेंगे कि वो जो है एक्स और वाई का जो वेरिएबल का वैल्यू है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, व्हाट इज द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन सच दैट x प्लस y इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इक्वल टू 2, टू लीनियर इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इक्वल टू 2 आर द टू लीनियर इक्वेशन,
are two unknowns, x and y are unknown. Unknown it means जिसका वैल्यू मालूम नहीं है. अननोन. टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. तो ये जो सिस्टम ऑफ एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें कम से कम दो लीनियर इक्वेशन होंगे. कम से कम कितने लीनियर इक्वेशन होंगे? दो लीनियर इक्वेशन. तो ये एक प्रकार का सिस्टम है टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का. सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस ये तब कहलाएगा जब x और y का सेम वैल्यू, जब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x और y का सेम. जैसे इफ x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4, ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो x इक्वल टू 6 एंड प्लस y इक्वल टू 4 इक्वल टू 10, LHS इक्वल टू RHS. देन 6 एंड 4, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4 आर द सेटिस्फाइड इन इक्वेशन फर्स्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकेंड इक्वेशन में भी अगर इस वैल्यू को हम रखें तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2. तो यही वैल्यू दूसरे इक्वेशन को भी क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब x और y का जो वैल्यू है, सेम पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y, सेम पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y आर सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन. दैट देन वी से दैट कि दिस इज द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. मतलब दो सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इट मीन सिस्टम में कम से कम दो इक्वेशन होंगे. ओके, तो दो इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस y इक्वल टू 10 एंड x माइनस y इक्वल टू 2. दो इक्वेशन हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और इसी लीनियर इक्वेशन को हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तब कहेंगे जब x और y का सेम पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई करे बोथ इक्वेशन. यानी यही x बराबर 6 और y बराबर 4 जो है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तब हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ओके, फॉर टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x एंड y आर सेट टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम सेटिस्फाइड बाई द सेम पेयर ऑफ values of x and y. Okay, we see an examples of simultaneous system of linear equation. So 2x plus 3y equal to 16 equation first and x minus 2y equal to 1 equation 2. So we have two equations. Then we say that this is the system of linear equation. Okay, so example is so that x equal to 5 and y equal to 2, x equal to 5 and y equal to 2 is a solution of linear equations. अगर x equal to 5 और y equal to 2 ये दोनों equations को satisfy करता है, तब हम कहेंगे कि ये जो system of linear equation है ये simultaneous linear equation है. और this x equal to 5 and y equal to 2 is the solution of this simultaneous linear equations of two variables. Okay, so let's start. Solution. Given system of linear equation is 2x plus 3y equal to 16 equation first,
and x minus 2y equal to 1 equation from first. If x equal to 5 and y equal to 2, then LHS equal to 2 multiply 5 plus 3 multiply 2 equal to 5 to the 10 and 3 to the 6 equal to 16 equal to RHS. And from equation 2, x minus 2y, if x equal to 5 and y equal to 2, then x equal to 5 and y equal to 2, then LHS equal to x minus 2y, x equal to 5 minus 2 multiplied 2, it means 5 minus 4 equal to 1 equal to RHS. मतलब कि x equal to 5 and y equal to 2 जो है, इस प्रत्येक लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. देन वी से दैट कि x equal to 5 and y equal to 2 is the solution of this system of linear equation. Students, our next topic is consistent and inconsistent system of linear equation. Consistent and inconsistent system of linear equation. What is the consistent system of linear equation? Consistent system of linear equation, a system of two linear equation, is said to be consistent if it has at least one solution. At least one solution. अगर किसी दो linear equations के system जिसका कम से कम एक solution हो, तब हम कहेंगे कि ये consistent है. कम से कम एक solution, it means एक से अधिक भी हो सकता है. It means one solution and more than one solution. That is the consistent system of linear equation. And second is inconsistent system of linear equation. So a system of two linear equations is said to be inconsistent if it has no solution at all. It has no solution at all. अगर एक सिस्टम दो इक्वेशंस का एक सिस्टम है, दो लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है, और वो दोनों लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन अगर नहीं है, तो वो कहलाएगा क्या? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स, यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो कंसिस्टेंट, और जब कोई सॉल्यूशन ना हो तो इनकंसिस्टेंट. तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन कम से कम होना चाहिए. इट मीन्स वन से ज्यादा भी हो सकता है, मेनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट में आएगा और वन सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट में आएगा. और जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड. बाय ग्राफिकल मेथड. तो सबसे पहले कि सपोज दैट एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू, तो इसे अगर हमें ग्राफ में मेथड से इसे हमें दिखाना है x प्लस 2y इक्वल टू 3 को, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? क्लास 9 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू फाइंड करते हैं x के टर्म में. y का वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं किसके टर्म में? x के टर्म में. तो यहाँ लिखेंगे 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बाई 2. जब y का वैल्यू x के टर्म में फॉर्म हो जाता है, यानी फाइंड हो जाता है, तो हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करते हैं. x का वैल्यू हम लोग लेते हैं क्या, यहाँ पे अगर हम लोग ले 1 सपोज दैट,
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बाई 2, इट मीन 2 बाई 2, 1, ओके। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं x का वैल्यू माइनस 1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 1, 4, इट मीन 2, ओके। अगर हम x का वैल्यू ले लेते हैं 0, सपोज दैट, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 0। अगर हम x का वैल्यू ले लेते हैं 3, तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0, ओके। और प्लॉटिंग कर करके हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग दिखाते थे, लेट x एंड x डैश एंड y एंड y डैश। तो सपोज दैट 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 1, 2, 3, 4 एंड माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, इस ढंग से। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 है एंड y का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, इट मीन्स पहला पॉइंट यहाँ हो जाएगा, a इक्वल टू a 1, 1, b क्या हो जाएगा, माइनस 1, 2 एंड सी क्या हो जाएगा, 3, 0, ओके। तो पॉइंट यहाँ ए हो गया एंड बी जो है माइनस 1 और 2, तो माइनस 1 यहाँ ओरिजिन से हम लोग चलेंगे, माइनस 1 एंड 2 पॉजिटिव है, तो इस यहाँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, बी एंड सी इक्वल टू 3, 0, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एंड 0, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। इस तीनों को हम लोग मिला देते थे एक ही लाइन में, दिस इज द, दिस लाइन रिप्रेजेंट दिस लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3, यानी ये लाइन जो है ग्राफिकली रूप में ये लाइन हमें इस इक्वेशन को दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग एक सिंपल सा एक लीनियर इक्वेशन का लिए, अब हमें क्या करना है, सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमल्टेनियस मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन होंगे, ओके। तो जब दो लीनियर इक्वेशन होंगे तो हमारे पास दो स्टेट लाइन फॉर्म होगा। जब दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होंगे तो हमारे पास कितने, जैसे एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होगा वो एक लाइन फॉर्म हुआ, तो दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होंगे तो ये वाला लाइन हमारे पास दो फाइंड होगा, ऑब्टेन होगा, दो प्राप्त होगा हमारे पास, क्लियर है। चल गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ओके। दिस इज एक्स एंड एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, दिस इज द ओरिजिन। सो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका जो ग्राफ हमें फाइंड होगा वो एक लाइन फाइंड होगा, सपोज दैट एल वन, और इस लीनियर इक्वेशन का एक दूसरा ग्राफ फाइंड होगा, दूसरा जिसे हम लोग एल टू, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होगा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, टू इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो लीनियर इक्वेशन हो। तो दो लीनियर इक्वेशन है इसका मतलब हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा, ओके। और तो हमारे पास तीन केसेज बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड, कि यदि ये दोनों लाइन L1 और L2
अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, व्हेन केस फर्स्ट कि व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट वन, देन बी से दैट कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होगा. कितना सॉल्यूशन होगा? वन सॉल्यूशन होगा बाई ग्राफिकली मेथड. वन सॉल्यूशन कब? जब हमारे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे. ओके, व्हेन, फिर से एक बार, केस फर्स्ट, व्हेन L1 एंड L2, when the lines L1 and L2 intersect at a point, then be said that कि x equal to alpha, अगर इस point पे intersect कर रहा, this point is P, alpha and beta, so alpha is the value of x and beta is the value of y, so then alpha, x equal to alpha and y equal to beta is the unique solution of given system of equation. यानी unique solution होगा कब? जब line L1 और L2 एक दूसरे को एक point पे intersect कर रहा है, तब unique solution होगा. Case 2 कहता है कि इफ इफ टू लाइंस L1 एंड L2 बोथ आर, व्हेन टू लाइंस L1 एंड L2 are confident. When case 2 क्या कह रहा है? When two lines L1 and L2 are confident. Confident मतलब एक दूसरे के ऊपर overlap करना, मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, मतलब दोनों एक ही line है, मतलब दो equations को एक ही line satisfy कर रहा है, then we say that कि it has many solution, infinite solution. कब? जब दोनों लाइन L1 और L2 एक दूसरे पे क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए, कॉन्फिडेंट हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेनी सॉल्यूशन होगा. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ओके, एंड केस थर्ड, कि व्हेन द लाइन L1 एंड लाइन L2 आर पैरेलल टू ईच अदर देन बी से दैट इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. दिस इज द केस थर्ड, कि इफ लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. नो सॉल्यूशन एट ऑल गिवन सिस्टम ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन केसेज है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड. फर्स्ट केस इज कि टू इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर हमारे पास किसी भी दो इक्वेशंस का एक सिस्टम है, तो दो इक्वेशन है, तो प्रत्येक इक्वेशंस का एक स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफिकली मेथड में. किसी भी लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा.
तो इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा और दूसरे इक्वेशन का भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लेते हैं कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एल वन है, एल वन इज द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन एल वन है। और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन एल टू है, स्ट्रेट लाइन एल टू है। तो केस फर्स्ट कहता है कि जब टू लाइन्स एल वन एंड एल टू, जब हम लोग ग्राफ में इसको बनाएंगे ग्राफ कॉपी में और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इफ यदि L1 और L2 एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तब हम कहेंगे कि दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। और जब केस टू में कि जब टू लाइंस L1 एंड L2 आर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट देन बी फेड एट इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन। एंड केस थर्ड कि टू लाइन्स एल वन एंड एल टू आर पैरेलल टू इच अदर देन बी फेड एट नो सॉल्यूशन एट ऑल ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके okay?